झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस का चुनावी नतीजा घोषित होने पर बोकारो परिसदन में भारतीय युवा कांग्रेस बोकारो जिला के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष सहित चारों विधानसभा के विधानसभा अध्यक्षों का बोकारो जिला युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। बोकारो परिसदन में आयोजित कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए बोकारो जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि संगठन ने जो मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है, मैं उस पर खड़ा उतरूंगा और युवाओं के संग मिलकर पार्टी को मजबूत करूंगा, साथ ही साथ सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाऊंगा। वहीं झारखंड प्रदेश के महासचिव आशुतोष राय ने कहा कि जिस तरीके से बोकारो के युवाओं ने हम पर विश्वास जताया है और हमें पार्टी के पदाधिकारी बनाने का काम किया है, युवाओं की समस्याओं को लेकर हम संघर्ष करेंगे और सरकार की जो नीति और योजनाएं चल रही है उन योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। स्वदेशवाणी के लिए बोकारो से विजय सिंह की रिपोर्ट। बोकारो के जनता युवा ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम पे दी है और इस जिम्मेवारी पे बोकारो को युवा को सबसे पहले मैं थैंक यू, धन्यवाद और तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। किस तरह से पार्टी को मजबूत करेंगे? पार्टी में जितने भी युवा हैं सबको जोड़ेंगे और पार्टी को मजबूत बनाएंगे। क्या रणनीति रहेगी युवाओं के लिए? आपको युवाओं की जो भी समस्या रहेगी उस समस्या पे बात करेंगे और आगे काम करेंगे। सर्वप्रथम तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगा और सबका आभारी हूँ, खास करके हालांकि बोकारो जिले के सारे कैंडिडेट्स ने एक तरफा समर्थन मुझे दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जिस आशा के साथ इन लोगों ने मुझे 11,000 मत दे करके प्रदेश में भेजा है, सिर्फ और सिर्फ बोकारो से लमसम 10-10,500 मत मुझे मिला है, मैं उस पर सही उतरने का कोशिश करूंगा और सारे लोगों से मिलजुल करके एक संगठन को जो जितना मजबूत हो सके। और रफीक भाई जो है काफी पुराने यूथ कांग्रेस के पिछले बार महासचिव भी रहे हुए हैं जिला के, और इनके पास एक अच्छा आइडिया है लोगों को जोड़ने का और इनके ऊपर जिला का नेतृत्व है। कार्यक्रम हम लोग जो है मिलजुल के किया करेंगे, मेन जो है लोगों का जो विश्वास उठ चुका है आज से पहले जो भी कार्यकाल चल रहा था, हालांकि मैं इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष था यूथ कांग्रेस में, पिछले एक साल से हम लोगों ने बहुत ज्यादा काम किया है, लोगों को जो जागरूकता हो सकता है जितना से जितना लोगों के बीच में जाना और अपने संगठन के जो है नीतियों को आगे रख करके हम लोगों से जुड़े। और बोकारो जिला में 45,000 मत पोलिंग हुआ था, 45,000 मत में क्या है कि लमसम 23,000 मत जो है कैंसिल और होल्ड हो गया, तो 45,000 लोगों ने वोट दिया है तो कहीं ना कहीं जुड़ाव जो है यूथ कांग्रेस के प्रति बहुत ज्यादा हुआ है लोगों में और कहीं ना कहीं यूथ कांग्रेस बहुत मजबूती तौर पर उभर के आ रहा है और आगे भी जो है हम सरकार की केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करते रहेंगे, जिस प्रकार से ये लोग कर रहे हैं साले लोग मिलजुल करके विरोध करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।